गो वाइल्ड इन इंडिया में आपका स्वागत है। तो अपने स्पीति नामा के इस अध्याय में हम आ पहुंचे हैं रामपुर। रामपुर वो शहर, हिमाचल की गोद में सुंदर सा वो कोना, वो खूबसूरत सा शहर जो सतलज किनारे बसा हुआ है। रामपुर वो शहर कई दशकों पहले वो आखिरी मुकाम भी हुआ करता था जहां से लोग अपनी अपनी दिशाओं में, अपनी अपनी कंट्रीज में बढ़ जाया करते थे। ये वही चौराहा है जहां से जाने वाले लोग लद्दाख, जाने वाले लोग ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक का सफर तय करते थे। और इसी चौराहे से तो हमारी मंजिल का रास्ता निकलता है, स्पीति का रास्ता निकलता है। आवाराओं की दुनिया में मैं आपको नमस्ते कहता हूँ। आई थिंक आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और डे फोर में आपका स्वागत है। गो वाइल्ड इन इंडिया के इस अध्याय में हम आगे जा रहे हैं नाको विलेज, और हमारा होटल जस्ट पीछे था सतलज किनारे। सतलज की रात पर कल कल करती आवाज़ सुनी, बहुत बेहतरीन नींद आई, और अब वक्त है कि हम लोग नाको विलेज की तरफ जाएं। नाको विलेज जो कि एक बहुत ही पुराना एक वहाँ का गांव है लोकल, जहाँ पे उन्होंने एक मैनमेड झील बनाई है, और सर्दियों में वहाँ पे वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के लोकल बच्चे आइस स्केटिंग भी करते हैं। सुबह की 9 बज रही है और हमें बताया गया कि आगे जैसे ही हम किन्नौर को क्रॉस करेंगे, किन्नौर का गेट, अचानक से मौसम बदल जाएगा और वहाँ पर बारिश है। तो चल के देखते हैं, रेनकोट और सभी ऐसी चीज़ें, ज़रूरत एसेंशियल्स मैंने निकाल के अपने ही बैग में रख दिए। तुरंत रस्सी खोलेंगे, चीज़ें पहनेंगे और वापस आगे के लिए रवाना होंगे। फिलहाल आज हम लोगों को 220 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, तो चलिए। हम बाइक राइडर्स की दुनिया का ये पहलू मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप कतार में, लाइन में अपने दोस्तों के साथ चल रहे, जगह बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा तो स्कूल में साइकिलों पे हुआ तक करता था, मगर अब साइकिलों की जगह मोटरसाइकिल ने ले ली है, मगर थ्रिल अब भी वही का वही है। जरा देखिए, कई जगहों से पानी आ रहा है उतर के, वहां से, पीछे से, और पूरा एक बहुत बड़ी नदी बन रही है। रास्ता थोड़ा खराब है, बीच बीच में पैचेस खराब आते हैं, और आपको ऑर्डरिंग करने के पहले आपको यह ध्यान रखना होगा फिलहाल के लिए। हालांकि रोड का कंस्ट्रक्शन वापस से मेंटेनेंस चल रहा है, बट फिलहाल अभी भी रिस्की है, तो आप यहाँ ऑर्डरिंग कभी आए तो संभाल के करें। नज़ारे अमेजिंग है, हमारे ऊपर वहाँ पे वल्चर्स उड़ रहे हैं, बड़े बड़े ग्रिफिन्स वल्चर्स। ये पहाड़ों के शहंशाह होते हैं। देखिए, बर्फ से ढका हुआ है वो पहाड़। खूबसूरती अपने पूरे शबाब पे है, और मैं इस चीज को देखकर आश्चर्य में हूं कि जब स्नोफॉल होता होगा, जब बर्फ पड़ती होगी, तो ये नंगे पहाड़, हरे पहाड़ छक सफेद हो जाते होंगे। क्या बात है, क्योंकि ये जगह सेंसिटिव जोन में है, तो सिक्योरिटी जोन में आती है, और इसी वजह से आपको कई बार यहाँ पर पुलिस वालों की चौकी से निकलना पड़ेगा। वो आपको रोकेंगे, आपसे आपकी जानकारी लेंगे, गाड़ी नंबर, कहाँ रहते हैं, वो नंबर वगैरह वगैरह। और ये फिलहाल तो हम लोग अभी नाको के लिए जा रहे हैं, तो पहले ही पड़ा है, जबकि आगे एक और कुफरी की तरफ एक और आएगा, जहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, ऐसा मैंने सुना है।
तो लेट्स सी हमें क्या देखने को मिलता है। सुना है कि यहाँ पे आइए और फोटो ना खिंचाइए तो मजा नहीं आएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये नाको लेक कितनी दूर पड़ेगी? कोई आइडिया नहीं? अरे श्योर हम इसी डायरेक्शन में सही जा रहे हैं, आई मीन यही वाला डायरेक्शन है ना? नहीं बताओगे? गधे ने तो मेरा हुलिया देखकर मुझे बताने से इनकार कर दिया है, मगर मैं जानता हूँ हम सही रास्ते चल रहे हैं। यह जगह जाती है काजा, और बीच में जब इतनी खूबसूरत जगह पड़े तो मिलकर बैठकर कुछ खास फोटोज खिंचाने बहुत जरूरी हो जाते हैं। क्या खूबसूरत दृश्य है, जरा देखिए तो, दूर दूर तक आसमान को छूते पहाड़ और उनसे ऊपर भी पहाड़ जिस पर बर्फ ढकी है, इनके पीछे और हमें वही जाना है, उस सूखे बीहड़ पर्वतों पर जहाँ पे सिर्फ बर्फ बसती है, और अगर कहूँ सही शब्दों में तो वो है एक मरुस्थल, एक ठंडा मरुस्थल, और नीचे एक और हाइडल प्रोजेक्ट है वह दिख रहा है। ये देखिए वहाँ पे पानी रुका हुआ है और नीचे आने के लिए हाइडल पावर का अपना स्टेशन बनाया हुआ है। क्या बात है, हमें आज 200 किलोमीटर का सफर तय करना है, शायद उन पहाड़ों की ओर ही जाना होगा। एक बार बहुत बड़ा हाइडल पावर स्टेशन देखिए, ओए ओए ओए, चट्टानों में से पानी बह के आ रहा है दूर दूर से, और ये सरकार ने बड़ा सा एक निर्माण भी किया है ताकि चीजें ऊपर से नीचे ना सके एकदम, और इस जगह का नाम है करछम वांगतो 1045 मेगावाट का ये प्लांट है। अब आप इसको प्लांट को ढंग से देख सकते हो, जरा देखिए कितना बड़ा है, बड़ी सी स्कॉर्पियो जो नीचे खड़ी है वो किसी चींटी की तरह दिखती है। बस नाम ही मालूम है, यामीन भारतीय सेना में थे, मौत कैसे हुई पता नहीं, पिता कौन थे पता नहीं, कहां के थे पता नहीं, पता है तो बस इतना कि वो यहां पर आखिरी बार थे इन पहाड़ों के बीच, और यही उनकी मृत्यु हुई है इन पहाड़ों के बीच। यामीन साहब आप किस्मत वाले हैं। हमें अनुरीत एक प्यारी सी पोयम सुनाएगी, है ना अनुरीत? और ये अनुरीत ये कौन है? जगरूप सिंह। तुम्हारा छोटा भाई है, क्या बात है, ठीक है सुनाओ पोयम सुनाओ। मुर्गा पान लगा देता है हमको सुबह चराता है, ये समझ नहीं आता है इसको कौन चराता है। अबे वाह सही है, और दूसरी आपकी सेवा में भारतीय सेना। ये भारतीय सेना का कैंप है, छोटा सा या कहूं बड़ा सा, और हमने फिर से लेन चेंज कर लिया है, हम जा रहे हैं उन बर्फ के पहाड़ों की तरफ, और अब जो पहले नदी हमारे दाएं तरफ थी अब वो बाएं तरफ है, और रोड बहुत ही सुहाना है। नमस्ते आंटी जी, अगर आप ध्यान से देखें तो उस पहाड़ पे एक बहुत बड़ी दरार है कई फीट की, ये पहाड़ जैसे गिरने को कुछ वक्त में राजी होने वाला है, देख सकते हैं आप, अगर ये गिरा तो ये बहुत ही बड़ी लैंडस्लाइड होगी। तो अगर आप घर फरमाए तो हम नीचे से आए उन सामने से, और ऐसे चढ़ के पीछे से घूम के अब हम वापस से ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, हमें इन पहाड़ों की ओर जाना है, और अब ये पहाड़ और विशाल और बड़े दिखने लगे, क्या बात है, खूबसूरती अपने चरम पर है। देखिए फिर से यानी कि सर्दी पड़ने ही वाली होगी अचानक से, सर्दी अचानक से बहुत तेज पड़ेगी क्योंकि हम एलिवेशन बहुत तेजी से ले रहे हैं।
कॉन्ग पियो चालू हो गया। नाम तो ऐसा लगता है जैसे भारत का कोई हिस्सा ना हो, रेकॉन्ग पियो। और आप ऊपर तक होटल्स देख सकते हैं, जहां तक नजर जाती है होटल्स बने हुए हैं। हम जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट। वैसे हमारा रास्ता ठीक पीछे काजा वैली का रास्ता पीछे है, मगर हम इस सुसाइड पॉइंट को कवर करके ही वापस लौटेंगे। एक बात और, डॉक्टर साहब का अभी अभी चालान कट गया है 500 रुपये का। गलती सिर्फ इतनी थी कि सामने एक रेड लाइट थी, उस पर उनका ध्यान नहीं गया और लेफ्ट की तरफ एक रास्ता कट रहा था, उन्होंने सीधे उस पर चढ़ा ली। किस्मत से मेरी नज़र रेड लाइट पर पड़ गई थी, मगर उनका 500 रुपये का हाथ चालान कट गया। तो रिकॉर्ड व्यू में सुसाइड पॉइंट की तरफ जाते हुए रेड लाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो हम लोग लगभग 6-7 किलोमीटर पहाड़ों में ऊपर चढ़ चुके हैं और अभी भी चढ़ाई ख़त्म नहीं हो रही है और सुसाइड पॉइंट जो आने का नाम नहीं ले रहा। पर नज़ारे अमेजिंग है, गाड़ी चलाना बहुत अमेजिंग है भाई। रात खड़ी है और गाड़ी के पसीने आ गए, गाड़ी का फैन चालू हो चुका है काफ़ी देर पहले ताकि इसके इंजन को ठंडा रखा जा सके। फाइनली शायद हम उस जगह के बहुत करीब हैं। पता भी न चला और हम दाखिल हो गए हैं किन्नौर कैलाश के उन महान पहाड़ों के बीच जहां शिव शक्ति का मिलन होता है। आंखों पर यकीन नहीं होता, ऐसा कुछ देखा नहीं था कभी, इतने चमत्कारी पहाड़। क्या मैं बस मंत्रमुग्ध हो गया हूं इनकी खूबसूरती से? सुना है कि वहां जाना मुश्किल है, मगर वादा करता हूं अगर आप लोगों का प्यार रहा तो कभी किन्नौर कैलाश के दर्शन जरूर करवाऊंगा। मगर फिलहाल हम आ पहुंचे हैं उस जगह पर जिसे लोग सुसाइड पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो अदिति के हाथ से मेरे मिठाई छीन पेपर के साथ। लीजिए, हम कल्पा से उतर चुके हैं और इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम जा रहे हैं पूंकी टपोर, जहाँ पे आखिरी पेट्रोल पंप होता है। वहाँ पे हम पेट्रोल भराएंगे और फिर वहाँ से आगे काजा के लिए निकलेंगे। जब जयपुर में गाड़ी खराब हुई और हमने उसको ठीक करवा लिया, मैं निश्चिंत था, मगर और हमारी किस्मत फिर से धोखा देने लगी है। हमारी गाड़ी फिर से ऑयल गिराने लगी है। शी इज़ ब्लीडिंग लाइक हेल, बट ये पहले वाली जगह से नहीं आ रहा, ये कहीं और से ऑयल आ रहा है। और दूर दूर तक कोई भी गाड़ी चालू सही करने का कोई साधन नहीं। FUCK, फक। पीछे आ रहे दोस्तों का इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं यहाँ पर अपना एक सब्जेक्ट मिल गया है, आइए। हमको देख चुका है और जानता है कि हम इसे पकड़ने में लगे हुए हैं, इसलिए इसने मेरे ऊपर से निगाह अब तक हटाई नहीं है। शायद आपको क्लियर दिख रहा हो, मगर अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो आपको एक शानदार जीप से मिलाऊंगा। मेरा वादा है कि आपको मज़ा आने वाला है। ये है लोकाड़िया, या कहूँ पेंटेड ड्रैगन। बस ये एक बार मुझे मौका दे दे सही और मैं इसको पकड़ लूँगा।
वेल, वो हमारे हाथ नहीं आया, मगर मिली इस जीव से लुकाड़िया स्टेलियो, या कहूँ पेंटेड ड्रैगन, जो इंसानों के साथ रहना पसंद करते हैं, दिन भर कीड़े खाते हैं और फिर धूप सेकते हैं। खैर, गाड़ी खराब हो जाने के स्ट्रेस को इन पेंटेड ड्रैगन ने काफी देर तक कम किया। फिर क्या था, हमारे दोस्त आ गए और तय हुआ कि आगे जाएंगे और किसी मिस्त्री को दिखाएंगे। बड़ी चोट की बात है, तो हमारी इस बार चेन स्प्रोकेट की आगे वाली सील कट गई है और उसमें सॉइल कर रहा है। टॉमी गर्ल, तू जल्दी ठीक हो जाओगी। तो बेसिकली हमें यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर आगे एक दुकान के बारे में बताया गया है, तो शायद उसके पास कुछ हो सके या कुछ हम ऐसा जुगाड़ कर सके कि कम से कम इसका ऑयल कम हो जाए गिरना। तो चलते हैं, पता है कभी ये सब रास्ते, ये पहाड़, ये सब मैं वीडियोस में देख के सोचता था कि कभी मैं जा पाऊंगा या नहीं। और फिर भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। मैं आज इन पहाड़ियों को कवर कर रहा हूँ। इसने तो पूरा ऑयल बाहर फेंक दिया है। वो शिट, थी बैग में सब जगह लग गया। फक, फक। हैरान परेशान मैं इन पहाड़ों के बीच फंस गया हूँ। गाड़ी खराब हो गई है, समझ नहीं आता आगे जाऊं या वापस पीछे काल्पा की ओर, मगर जाऊं तब भी गाड़ी बीच में सीज हो जाएगी। उफ। डोमिनार, तेज खून बह रही है अपना, मगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको चलाने के अलावा, क्योंकि चढ़ाई इतनी ज्यादा है कि चढ़ भी नहीं रही है टोकरने पर, और ऑयल बहुत तेज गिर रहा है। शायद मेरी ये ट्रिप, हाँ, धीरे धीरे चला के ले जा रहे ताकि बहुत ज्यादा ऑयल लॉस ना हो और हम इसमें कहीं ना कहीं कुछ जाके जुगाड़ करा सके। टॉप अप की स्थिति भी नहीं बची है बार बार ऑयल करने की, क्योंकि ऑयल बहुत तेज बह रहा है, जैसे छोटा सा नल खोल दिया हो। और पता चला है कि आगे ही कहीं पे शायद कोई मिस्त्री है, हमारा एक बंदा उसको देखने भी गया है, और ये बड़ी चोट हुई हमारे साथ। चोट कितनी भी बड़ी हो, मगर जब दोस्त साथ हो तो टो करके आपको मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। इसी तरह एक मिस्त्री का पता करके हम जा रहे हैं उसकी ओर। तो हमें बताया गया है कि सामने वाले पहाड़ में नीचे यहाँ पर कोई मिस्त्री है, शायद वो कार है ठीक करता है। मुझे नहीं लगता कि वो इस एडवांस बाइक का कुछ कर पाएगा, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो चल के देखते हैं कि आज हमारे दिन में, आज आखिरी क्या होने वाला है, क्या बचा है दिन। क्या शुरुआत अच्छी थी, शाम होते होते बिगड़ गई, और रात कितनी ओझल होने वाली है इसका हमें कोई अंदाजा नहीं। तो कार का है प्रॉपर यार। तो फाइनली हम लोगों ने, रिकॉन्ग भैया ने और भाई ने, बॉबी भाई ने इसमें जिप्सी का एक्सेल का एक पार्ट डाला है, और इनका भी कहना है कि गाड़ी अभी दिक्कत नहीं देगी, मगर हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेट्स सी, ऑयल बिल्कुल ख़त्म है और ऑयल भी यहाँ पर है नहीं। 10W50 जो मुझे चाहिए, वो अभी एक नया चैलेंज आ गया है। लेट्स सी हमें क्या देखने को मिलता है। इतने सारे भाई और ये सब मिलके मेरी गाड़ी से कराने में लग रहे हैं। करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद रिकॉन्ग ने हमारी गाड़ी को सही कर दिया। जो एक कार का मैकेनिक है, उसने बाइक को सही कर दिया। हमें आगे जाने के लिए हिम्मत दी है। जहाँ पर पार्ट और ऑयल भी ना थे, हम वहाँ से कार का ऑयल डलाकर निकल रहे हैं। तो फाइनली
हमारी गाड़ी का काम तो हो गया है और उन्होंने बोला है कि सील अब नहीं कटेगी, आप जाके बजाज में वापस चेंज करा लीजिएगा। तो फिलहाल तो हम जा रहे हैं वापस नाकुल लेक की ओर। हमारे दोस्त शायद होटल पहुँचने में होंगे, मेरी वजह से सब लेट हो गए हैं, मगर क्या कीजिए, ग्रुप में आते हैं तो जिम्मेदारी दूसरे की बनी जाती है। तो वेल हम जा रहे हैं नाको और हमें कोई गारंटी नहीं कि हमारी गाड़ी वहाँ सही सुरक्षित पहुँच जाएगी या नहीं, ये तो सिर्फ समय बताएगा। और शायद हमें अगले 60 किलोमीटर को कवर करने में 60 लगभग 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो चलिए चलते हैं नाको, तब तक फिर से वादियों का मज़ा लीजिए। करा दी है और चारों बाइकों की एंट्री हो चुकी है, सभी लोगों के नाम नंबर सब दे दिए गए हैं। समय 9:05 हो रहे हैं और हम लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचने वाले। अचानक से बहुत तेज ठंडक होने लगी है, हाथ तनने लगे, और वैसे तो हमें उम्मीद थी, बताया गया था कि बारिश हो सकती है पर बारिश तो नहीं है, मगर सर्दी वो बढ़ती जा रही है। रोड तो बहुत अमेजिंग है, मतलब हम लोग माउंटेन पे चढ़ाई करते करते भी 70-75 पे चल रहे, पर हाथ तो सुन्न होने लगे। तो वो कहते हैं ना कि जब समय बुरा चल रहा हो तो हर चीज बुरी होती है, या कहूँ कि समय हमेशा सही होता है और वो आपको नए नए एक्सपीरियंस करवाता है। तो एक और नया एक्सपीरियंस हुआ, आप फंसने वाले। तो मैं डॉक्टर साहब के पीछे चल रहा था, डॉक्टर साहब हाई स्पीड पे चल रहे थे, मैं उनके जस्ट पीछे था, और डॉक्टर साहब म्यूजिक चलाकर अपने गर्दन हिलाते हुए चल रहे थे, और उन्होंने मैप पे से नज़र हटाई और हम एक मेन पॉइंट मेन मोड मिस कर गए। हम पहाड़ों में लगभग 10-12 किलोमीटर ऊपर आ गए, वापस जा रहे। वहाँ हमारे सारे दोस्त पहुँच चुके, सिर्फ हम ही दूर हैं। खैर हर चीज़ में अच्छा ही ढूंढने की आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, तो फिलहाल के लिए अच्छा ये है कि नीचे यहाँ से सर्दी थोड़ी कम होगी, हाथ गल रहे हैं। तो नीचे चल के आज से बात करते हैं। 9 किलोमीटर गलत जाने के बाद हम वापस नीचे उतरे हैं और इस बार हम सही दिशा में, हम आ गए हैं नाको विलेज। और नाको विलेज की जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है नाको लेक, और अगर हम टाइम पे आते तो नाको लेक को कवर कर सकते थे, मगर हम बहुत लेट हो गए हैं और कल सुबह तो कवर करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी पूरी टीम सुबह ऑलरेडी मॉर्निंग निकलने की कोशिश में रहती है। तो सही है, पर मेरे कंटेंट की रिपोर्ट। तो नाको विलेज में आप लोगों का स्वागत है। फाइनली हम अपना इतना सारा क्यूटिया पा करके अपने होटल आ गए हैं। होटल का नाम है जम्बाला और ये नाको लेक के बिल्कुल पास में बना हुआ है, और हमारे सारे भाइयों की गाड़ियां वहीं पर हैं। बहुत थकान है, खाना भी खा लिया है, सीधा पलंग दिखता है, मगर नहीं, अभी तो आपको मेरे साथ जाकर बाहर सुंदर दृश्य को देखना है, यहाँ के आसमान को निहारना है जहाँ पे शक्तियां नाचती हैं। यकीन कीजिए आप जो देख रहे हैं वो सच है, यहाँ पर आसमान पूरी रात करतब करता है, निगाह हटती ही नहीं, खूबसूरती अपने चरम पर है। गो वाइल्ड इन इंडिया को आप व्यूअर्स के प्यार की जरूरत है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके आप हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। हमारे वीडियो में किन्हीं कोई कमी पाई जाती है तो आप उस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर रख सकते हैं। आपका प्यार यूं ही बना रहे। गो वाइल्ड इन इंडिया।